हेलो एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक ऑन जीएसटी एस जीएसटी पेमेंट प्रोसेस सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जीएसटी का पेमेंट प्रोसेस क्या होता है ठीक है जीएसटी कैसे पे किया जाता है ठीक है द पेमेंट प्रोसेस अंडर प्रपोस्ड जी एस टी रिजम इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक जनरे जनरेटेड चलान फ्रॉम जी एस टी एंड कॉमन पोर्टल ठीक है ये इसके अंडर जनरेट किया जाता है जी एस टी को इसके अंदर जनरेट किया जाता है इन जी एस टी अटाम हैज़ बीन मेड टू मेक पेमेंट सिस्टम हसल फ्री कन्वीनियंट ऑनलाइन एंड पेपर लेस सो जी एस टी क्या करता है यह इस चीज़ों को एक तो कन्वीनियंट करता, करता, करता है ऑनलाइन करता है और पेपरलेस वर्क करता है ठीक है तो अब हम जी एस टी के पेमेंट प्रोसेस को पढ़ते हैं पेमें पेमेंट प्रोसेसर अंडर फाइव स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक पेमेंट करने के लिए जी एस टी की सो फर्स्ट वन इज़ जनरेशन ऑफ चलान इन फॉर्म ऑफ जी एस टी पी एम टी ज़ीरो सिक्स तो जी एस टी का पहले जनरेशन करते हैं जनरेट करते हैं चलाने इन द फॉर्म वाले में फिर नेक्स्ट वन इज़ पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टेम्प्रोरी आइडेंटिफिकेशन फिलहाल के लिए हमें टेम्प्रेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है जिससे हम पेमेंट करते हैं थर्ड वन इज़ मैंडिडेट फॉर्म फ़िलअप करते हैं फोर्थ वन इज इफ सी आई एन इज़ जनरेटेड एंड कॉम्युनिकेटेड सी आई एन इज़ इट चलान आइडेंटिफिकेन नंबर ठीक है इफ़ सी आई एन चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर इज़ नॉट जनरेटेड और नॉट कम्युनिकेटिव सो इसको हम हाँ एक एक करके पढ़ते हैं वन बाई वन सो फर्स्ट वन इज जनरेशन ऑफ चलान इन द फॉर्म ऑफ जी एस टी पी एम टी जीरो सिक्स इज एनी पर्सन और अ पर्सन ऑफ हिज बिहाव शेल जनरेट आ चलान इन द फॉर्म ऑफ जी एस टी पी एम 06 सो so, कोई भी पर्सन या कोई किसी और के पर्सन के बदले भी कर सकता है अ टैक्स पेयर कैन क्रिएट अ चलान फ्रॉम जीएसटी पोर्टल फॉर द परपस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस ठीक है द पेमेंट हैव टू फिल्ड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन जो पेमेंट होगी वो किसके द्वारा होगी एन ऑथराइज्ड पर्सन ठीक है अ चलान कैन बी एडिटेड चालान एडिट किया जाता है किया जा किया जा सकता है जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता जब वो जब वो फाइनलाइजेशन हो जाएगा तो हम उसको एडिट नहीं कर पाएंगे ओनली बिफोर फाइनलाइजेशन आफ्टर फाइनलाइजेशन द चलान बाय द टे टैक्स पेयर इट विल बी जनरेटेड सिर्फ टैक्स पेयर ही उसको जनरेट कर पाएगा इट इज़ अ फोर्टीन डिजिट नंबर यूनिक डिजिट नंबर सो ये फोर्टीन डिजिट यूनिक नंबर मिलता है हमें आइडेंटिफाई द चलान चलान को आइडेंटिफाई करता है द uh, चलान इन द फॉर्म ऑफ जी एस टी पी एम टी जीरो सिक्स एंड सी पी आई एन पिन शेल बी ट फॉर द पीरियड ऑफ फिफ्टीन डेज जो हमें uh, uh, क्या बोलते हैं टेम्प्ररी नंबर मिलता है वो सिर्फ फिफ्टीन डेज के लिए ही होता है फिर उसके बाद हमारा परमानेंट नंबर मिल जाता है ठीक है तो ये फर्स्ट वन था सेकेंड वन इज पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर कैसे हम पेमेंट करेंगे टेम्पररी नंबर पर ठीक है टेम्प्रेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर पर एनी पेमेंट रिक्वायर टू बी मेड बाई अ पर्सन हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड नहीं अंडर द एक्ट शेल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ अ टेम्पररी आइडेंटिफिकेन नंबर जनरेट थ्रू द कॉमन पोर्टल कॉमन पोर्टल के थ्रू वो जनरेट कर सकते अपने आप को ठीक है जो आ, जो क्या है अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है अभी तक ठीक है अनंदर वन इज मैंडेट फॉर्म वेयर द पेमेंट इज मेड बाई द वे ऑफ एन एफ टीज और आर टी जीज मेड

जनरेशन करवाई है जनरेशन ऑफ चलान करवाया है ठीक है नेक्स्ट मैंडेट फॉर्म में दो चीज का वो होता है पहले तो एप्लीकेबल अगर हमने एप्लीकेबल करा है तो इन केस ऑफ पेमेंट इज मेड बाय द एन और आर अगर बैंक के थ्रू हमने पेमेंट करी है तो वो एप्लीकेबल होगा और अगर हमने वैलिडिटी के लिए करा है कुछ दिनों के लिए तो 15 डेज की वैलिडिटी इसमें होती है एक मैंडिडेट फॉर्म के लिए चलान जनरेशन में ठीक है ठीक है फोर्थ वन इज इफ सी आई एन इज जनरेटेड एंड कॉम्युनिकेटेड सी आई एन मैंने बताया है चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर ठीक है ऑन सक्सेसफुल पेमेंट और क्रेडिट ऑफ अमाउंट टू बी कैन बी कंसिडर गो गो गवर्नमेंट अकाउंट मेंटेन इन द ऑथराइज बैंक अ चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर विल बी जनरेटेड बाय द कलेक्टिंग बैंड एंड द सेम शेल बी इंडिकेटेड इन द चलान ऑन द रिसप्ट ऑफ सी आई एन फॉर्म The authorized bank, the said amount shall be credited to the electronic cash ledgers of the person on whose behalf the depositor. has been made सी आई stands for फॉर identification number. It is a अ digit number. That a आ digit number is इज़ सी पी एन प्लस थ्री डिजिट बैंक कोड ठीक है तो चौदह नंबर का वो सी पी एन कोड होता है और तीन नंबर का बैंक का कोड होता है ठीक है जब पेमेंट सक्सेसफुली क्रेडिटेड हो जाती है गवर्नमेंट के बैंक में और एक ऑथोराइज बैंक में तो चलान आइडेंटिफिकेशन जनरेट हो जाता है एंड वो कलेक्ट किया जाता है एक बैंक के द्वारा ठीक है जो कि इंडिकेट करता है चलान को ऑन द रिसप्ट ऑफ सी आई एन जो सी एन होता है ऑथराइज बैंक के द्वारा द अमाउंट शेल बी क्रिएटिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लाइव एस एफ सी आई एन इज़ नॉट जनरेटेड और नॉट कॉम्युनिकेटेड सी आई एन मतलब चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर जनरेट नहीं होता नॉन कॉम्युनिकेट होता है तो क्या होता है वेयर द बैंक अमाउंट ऑफ द पर्सन जिस जिस पर्सन का बैंक अकाउंट है और कंसिडर और द पर्सन मेकिंग द डिपॉजिट और हिज uh, बिहाफ किसी और कोई और पर्सन उसके जगह उस पेमेंट को कर रहा है तो इज डेबिटेड वो डेबिटेड हो जाता है अंडर चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर के आ, उसके अंदर एंड वो आ, जब सी आई एन इज़ नॉट जनरेटेड बट कॉम्युनिकेटेड बाय टू द कॉमन पोर्टल कॉम्युनिकेटेड हो जाता है टू द कॉमन पोर्टल में ठीक है तो यही थे पांच स्टेप्स जीएसटी के प्रो, प्रोसीजर थे पेमेंट प्रोसीजर एंड अगर आपको ये पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग